प्लीज ओमकार जी, यहाँ तो मुझे कोई ठंड सर्दी या इन्फेक्शन नहीं छुएगा। आपकी मयूरा आपके साथ सेफ होगी, है ना? ठीक है, जैसे मेरी मयूरा की मर्जी। तो फिर ठीक है, ये मंडप हमारा होगा और ये फूलों से सजा हुआ मंडप आपका। चल चलो हाथ दो, हम लोगों को भी रस्में भी पूरी करनी है ना। चलो दोनों लड़कियां आंगन के हर कोने में दिए जलाएंगी। और बाकी के तीन टोकरी में सामान रखा हुआ, वो पूरा सामान तुम देख ले। मामा जी, हम अभी जस्ट वॉशरूम से आए बस, फिर केटरिंग वगैरह हम संभाल लेंगे। ठीक है, जाओ। चल 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 चल। अरे हाँ, वॉशरूम में पेंट हुआ है, गीला पेंट होगा, संभाल लेना। चल, चल, चल। सारे यही लगाएगी क्या? उधर भी जा, लगा दे और जल्दी कर ले भाई। अरे ओमी, तू कहाँ आया? इधर अंधेरे में क्या कर रहा है तू? वो मयूरा के भाई जयमाल के वक्त उसे छू क्यों रहे थे? ओमी, वो छोटे भाई है उसे। भाई है तो भाई की तरह रहे ना माँ, और इतने भी छोटे नहीं है वो। अब तो मयूरा भी बड़ी हो गई है,
साथ खेलना, चिपकना, छूना, गोद में बैठ जाना, ये भाई बहन के बीच में सिर्फ बचपन तक अच्छा लगता है माँ। उम्र के साथ एक लिहाज आ जाना चाहिए। एक भाई का हाथ बहन की तरफ बढ़े तो सिर्फ राखी बंधवाने, पैर छूने या आशीर्वाद देने के लिए बढ़े तो ही अच्छा लगता है माँ। हाँ बेटा, अच्छा सुन, तू शांत हो जा, शांत हो जा, फेरों का टेम हो रहा है, दवाई खा ले। ले खा ले बेटा, शांत हो जा। चले शाबाश। अरे भाई ओंकार जी, दामाद जी कहाँ गए? पता नहीं कहाँ है, बाथरूम में भी नहीं। एक मिनट, किस फोन की आवाज आ रही है? कौन है अंदर? अंकल मैं एक सेकंड लाइट जला। कौन है ये? कौन कौन है? अरे अरे रिंकू, ए मनु, रिंकू मनु, अरे उठो। क्या हुआ रिंकू? क्या हुआ? क्या मनु, तुम लोग कैसे हो? क्या हुआ तुम्हें? कौन आया था यहाँ पे? क्या हुआ? क्या गलती थी? क्यों किया हमारे साथ? किसने किया? कौन था बेटा वो? तुमने देखा किसी को यहाँ आते हुए? पता नहीं। हाँ देखा किसी को? अरे क्या हुआ बेटा, बताओ ना कौन था, क्या हुआ? पता नहीं कोई। अंकल अंकल आपकी अंदर ज्यादा जरूरत है, आप एक काम करिए, आप अंदर जाइए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। रश्मि अंकल मैं संभाल लूंगा, आप जाइए, ठीक से बैठो बेटा। अंकल आप जाइए ना। हाँ मैं देखता हूँ। तुम ठीक हो? देखा किसी को? ओंकार जी कहाँ रह गए? ये ले, आ गया तेरा दूल्हा, संभाल इसे। आइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अब फेरों के लिए खड़े हो जाए। पहले फेरे की आप अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करेंगे। मैं वचन देता हूं मयूरा, तुम्हारी खूबसूरती पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, जिससे तुम्हारी खूबसूरती के निखार में कभी कोई कमी ना आए। आप अपनी पत्नी के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। साथ छोड़ना तो दूर, तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, जिससे तुम्हारी खूबसूरती को मैं निहार पाऊं और सिर्फ मैं ही निहार सकूं। अपनी पत्नी की सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। तबीयत खराब हुई तो चेहरा उतर जाएगा, मैं तुम्हारी खूबसूरती को कभी मुरझाने नहीं दूंगा।
आप वचन लेते हैं कि आप अपनी पत्नी के सिर्फ पति ही नहीं बल्कि दोस्त बन के पूरा जीवन साथ निभाएंगी। मैंने हमेशा के लिए तुम्हें हासिल किया है मयूरा, 7 जन्मों से भी लंबा होगा हमारा रिश्ता। आप इस रिश्ते की संपूर्ण जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तुम्हें हासिल करना मेरी इज्जत थी और तुम्हारी खूबसूरती को सहेज के रखना मेरी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। वचन लेते हैं कि आप दोनों की ही खुशी में आपकी खुशी होगी। तुम खुश रहोगी, तुम हमेशा मुस्कुराओगी। मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो तुम, और मेरी खुशी तुम्हारी खूबसूरती में है। और इसी के साथ फेरे संपन्न होते हैं। आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। अरे हाँ, वॉशरूम में पेंट हुआ है, गीला पेंट होगा, संभाल लेना। बधाई हो भाई, विवाह संपन्न हो गया। अब ऑफिशियली आप लोग हैशटैग मयूखर हो गए। Yeah. विदा कर रहे हैं, जुदा थोड़ी कर रहे हैं। तेरा घर है। कभी भी कोई भी परेशानी हो बेटा, कोई भी तकलीफ हो, हम सब तेरे लिए यहाँ के हमेशा रहेंगे। हाँ बेटा,
बहुत गुस्सा हूँ मैं तुझसे, और तेरी लाइफ का जायका मैं अपने गुस्से को खराब नहीं करना चाहती। आखिर तू मेरी छोटी है, मैं भी कहाँ दूर जाती। संजय जी और मैं जिस आउट हाउस में रहने वाले हैं वो ओमकार जी के घर के पास ही है ना। ए मिंटी, देख सुन पापा की बात। भगवान से मेरी यही दुआ है कि तुझे वैसा ही ससुराल मिले जैसा तुझे लग रहा है कि तेरा ससुराल है, लेकिन कभी भी तुझे ऐसा ना लगे, जरा भी घबराहट हो, कुछ अच्छा सा ना लगे वहां बेटा, तू पापा के पास चले आना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा बेटा? फोन करना मुझे। से भी खुश नहीं हो मुझसे शादी करके, जो इतना रो रही है। आपके नए घर में आपका स्वागत है मयूर। नया घर, नया परिवार, नई जिंदगी। ऑल द बेस्ट मयूरा। मयूरा रुको, तुमने मुझे कभी गोद में नहीं उठाया। हाँ तुम्हें उठाता तो मैं हमेशा के लिए उठ जाता। लेना दे।
वाह क्या बात है, काश हमें भी ऐसे कोई प्यार से गोद में उठा लेता तो मजा आ जाता। आजा मैं उठा। अब इस कलश को पैर से गिरा के घर के अंदर प्रवेश करो। पहले मैं मयूरा के मायके के मोहल्ले में रहती थी। कसम से कहती हूँ, वहाँ के लड़के दीवार फान फान के आंखें सेका करते थे। अब यहाँ तो दिन भर मंडराएंगे उसकी खूबसूरती निहारने। ये पहली रस्म है। इस थाली से जितने हो सके सिक्के एक साथ हाथ में उठाओ और उस थाली में रखो। जितने ज्यादा सिक्के बटोरोगी ना उतना ज्यादा पति का प्यार तुम्हारे भाग्य में होगा। और हाँ, याद रहे खन खन की आवाज नहीं होनी चाहिए। जितनी कम आवाज होगी उतनी कम दिक्कतें तुम दोनों के रिश्ते में होंगी। Miura, come on, Miura. Yes, Miura, come on, yes, you can do this. Come on, Miura. Come on. Come on, come on, come on, Miura, come on. Yes. Hey, shabaz, shabaz, Mauri, chal, 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 chal. Yes, Miura, yes. Yes. Yes, 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 more. Miura, or, or, or. Yes, Miura, come on, come on, come on, come on, come on, yes. Or. Yes, yes. Yes, yes, Miura, yes, come on. Come on, Miura. Shabash, 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 shabash.
जिद से रिश्ता जोड़ोगे तो दिक्कतों की खन 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 तो होनी। भगवान तेरा भला करे मोड़ी। खराब नीयत और बुरी नजर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कवारी है या शादीशुदा, लेकिन मैं अपनी मयूरा पर किसी को गंदी नजर नहीं डालने दूंगा। माजी वो मैं माजी आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया, सॉरी। नहीं गलत, सुना सर गलत, वो तो अच्छा है कि खेल था, भगवान की पूजा पाठ की रस्म बहुत तो। जब मैं आई तो तब तो नहीं था, यहां कैसे आया?